अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। आज इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है। तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए और बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर के पास। आर्यन की तबीयत ठीक नहीं है। आर्यन को फ्लू हुआ हुआ है, वायरल हो गया है, मोशन और फीवर, हाई फीवर और पेट में दर्द ये सब है। तो हम आज इनको क्लिनिक पे लेकर आए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, ताकि जल्दी ठीक हो जाएं। और ये अपने बाबा जान की गोद में लेटे हुए, दोनों बहुत तंग कर रहे थे लोग क्लिनिक पे। तो अभी हम डॉक्टर का वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर आ जाएं, तो फिर हम इनका चेकअप करवाएं, देखें कि आर्यन कैसा है। दुआ करिए कि आर्यन जल्दी ठीक ठाक हो जाए। हम लोग क्लिनिक पे से आ गए आर्यन को दिखा के। आर्यन की तबीयत बहुत अजीब हो रही थी, बहुत डाउन तबीयत हो रही थी। तो हम आर्यन और अरीज को ऊपर छत पे ले आए, ताकि ये लोग पिजन के साथ खेल लें। पिजन बहुत पसंद है आर्यन को। आर्यन को वैसे सारे एनिमल्स बहुत पसंद हैं और पिजन तो बहुत पसंद है। तो हम इनको छत पे ले आए हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएँ, खेल लें पिजन्स के साथ। तो आर्यन और अरीज जो हैं वो ऊपर कबूतरों के साथ खेल रहे हैं। तो देखते रहिए आप लोग मेरा ब्लॉग। सामने आओ, अब पकड़ लो, से पकड़ लो, जाओ होल्ड करो, होल्ड जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान शुरू हो गए हैं, तो रमज़ान की प्रिपरेशन भी हो रही है। ये हमने समोसे और रोल का बैटर बना के रखा है, कीमे और मटर का और मिक्स सब्ज़ी का। और ये हम समोसे में फिलिंग कर रहे हैं, समोसे के अंदर ये कीमे के समोसे बन रहे हैं, तो हम उसके अंदर फिलिंग करके समोसे बना के रख रहे हैं ताकि इफ्तारी में काम आ सकें। ये हमारे समोसे तैयार हो के हमने प्लास्टिक फॉइल लगा के इनको फ्रीज कर दिया है। अब हम बनाएंगे दाल चटनी, जो कि पकौड़ों के साथ तो सब्जी तो है बड़ी अच्छी लगती है। इसके लिए हम टमाटर लेंगे, टमाटर को चॉप कर लेंगे, हरी मिर्ची ले लेंगे दो, उनको चॉप कर लेंगे, लहसुन ले लेंगे और हम इनको ग्राइंडर में
ये वन बाय वन करके डालेंगे। लहसुन ऐड किया हमने, फिर हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर एक मुट्ठी को हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये सूखा पुदीना है, सूखा पुदीना हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई एक मुट्ठी, थोड़ा सा और ले लीजिएगा। सूखा पुदीना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है चटनी में, बहुत मज़े की चटनी हो जाती है इससे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैंने तो एक से सवा चम्मच डाला है नमक। और ये हम जीरा भी ऐड करेंगे इसके अंदर, भुना जीरा हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप, ये बस साबुत जीरा, तो हमने साबुत जीरा ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, चटनी ज़ाहिर है तो गाढ़ी गाढ़ी चटनी होती है, तो थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको ग्राइंड कर दिया, और ये हमारी चटनी तैयार। ये अब समोसे के साथ पकौड़े के साथ बहुत अच्छी लगती है। फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट।